हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने लेके आया हूँ मध्य प्रदेश की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि खंडवा शहर के अंदर स्थित है। और खंडवा मध्य प्रदेश का एक शहर है, एक जिला है जो कि मध्य प्रदेश में आता है। और ये यूनिवर्सिटी 2018 में स्थापित हुई थी। इस यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी खंडवा। तो आज हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में समझेंगे। मैं गोविंद धनगर, मुझे 5 साल से ज़्यादा एजुकेशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार जरूर हमसे संपर्क किया रहे दिए हुए नंबर पर, या आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हूँ। आप इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, आपको शो करने जा रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ डॉक्टर सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी खंडवा के बारे में। तो बने रहिए मेरे वीडियो के ऊपर। तो ये यूनिवर्सिटी 2018 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित हुई थी। मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन MPPURC की वेबसाइट से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। MPPURC रेगुलेटरी कमीशन बॉडी है और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और इस यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब हैं डॉक्टर चांसलर साहब हैं संतोष चौबे जी, वाइस चांसलर जी अरुण जोशी जी, और रजिस्ट्रार सर है रवि चतुर्वेदी जी। इनकी यहाँ मेल आईडी इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ऑफिशियल मेल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं एडमिशन्स के रिगार्डिंग तो आप एक बार हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको लेके जाता हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर CVRUMP.ac.in पे। तो यहाँ मैं आप गए हैं हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो रही है। थोड़ा सा वेबसाइट में कुछ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपके सामने ओपन कर दी है। और यूनिवर्सिटी ने कोई न्यू लोगो भी डिज़ाइन किया है, यूनिवर्सिटी ने अपना नया लोगो बनाया है, तो वो भी ऑफिशियल नोट्स यहाँ की उनकी वेबसाइट के ऊपर शो हो रहा है। डॉक्टर सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी के बारे में जानने से पहले मैं इस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। तो क्या है, कौन सा ग्रुप है, किसके अंतर्गत ये सी.वी. यूनिवर्सिटी रमन यूनिवर्सिटी आती है? तो डॉक्टर सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि मध्य प्रदेश के संविधान के अकॉर्डिंग, जो कि मध्य प्रदेश का रेगुलेटरी कमीशन है उसके अकॉर्डिंग ओपन हुई है। और ये मध्य प्रदेश जो सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी है ये आईसेक्ट ग्रुप का फाउंडेशन है, एक आईसेक्ट ग्रुप है उसके अंतर्गत ही सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी आती है। 1985 में आईसेक्ट जो है ग्रुप की स्थापना हुई थी। ये बहुत पुराना ग्रुप है, इनकी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी सारी अलग अलग जगह एक्टिविटीज़ हुई है यूनिवर्सिटी के ग्रुप की, आईसेक्ट ग्रुप की। और ये यूनिवर्सिटी खंडवा के अंदर है आपकी सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी, बल्क गांव के अंदर ये यूनिवर्सिटी स्थित है और खंडवा मध्य प्रदेश के अंदर रहता है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी का कैंपस बना हुआ है। मैं थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में दिखा आपको बता दूँ। यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड टॉप आईसेक ग्रुप के यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं, जो कि डॉक्टर सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी भी आईसेक ग्रुप के अंतर्गत आती है, तो ओरेकल, एयरटेल, SCL और IBM जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने आती है, बच्चों को हायर करती है। प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग सेल इनका बना हुआ है। स्किल पार्टनर आप देख सकते हैं रेड हैट है, माइक्रोसॉफ्ट है। सर्टिफिकेशन कोर्स बच्चों को कराए जाते हैं। अवार्ड्स बहुत सारे यूनिवर्सिटी को मिले हुए हैं। और चांसलर साहब का मैसेज आज से आप देख सकते हैं। कोर्सेज के बाद थोड़ा सा प्रोग्राम पे हम नज़र डाल देते हैं और अप्रूवल्स के बारे में अभी हम नज़र डाल देते हैं। जैसे कि इन्होंने उनके ब्रोशर में मैंशन कर रखा है MP गवर्नमेंट से डेफिनेटली इनको अप्रूवल है, वो हमने विजिट किया भी है अभी। AICTE से अप्रूवल है इनको। MP पैरामेडिकल कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए MP पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होता है, BMLT, DMLT जैसे कोर्सेज पैरामेडिकल से रिलेटेड जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं उनके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, जो कि इनके पास है MP पैरामेडिकल काउंसलिंग से UGC के में। और साथ ही में AIU ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ के भी ये मेम्बर हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है, ये सारे अप्रूवल्स इनके पास हैं। हम इनके कोर्सेज के ऊपर थोड़ी नज़र डालते हैं। साइंस में ये क्या देने वाले हैं, BSc PC दे सकते हैं आपको। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप BSc कर सकते हैं, BSc बायोटेक कर सकते हैं, MSc मैथमेटिक्स कर सकते हैं, MSc केमिस्ट्री कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के छात्र जिन्होंने अपनी 12वीं कक्षा में एग्रीकल्चर लिया है, जो मैथ्स के बच्चे हैं, बायो के बच्चे हैं, एग्रीकल्चर का प्लान कर रहे हैं, वो बच्चे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कर सकते हैं यहाँ से। MSc एग्रीकल्चर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड IT में DCA, PGDCA, BCA, BSc IT एंड MSc IT जैसे कोर्स आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट में अगर आप यहाँ से करना चाह रहे हैं तो BBA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। वो आप इसमें मिलने वाले रिटेल हो गया, IT हो गया, HR हो गया, मार्केटिंग, फाइनेंस, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और रूरल मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम्स आपको इस यूनिवर्सिटी से मिलने वाले हैं। यूनिवर्सिटी को अप्रूवल UGC का लगता है, जो कि इनके पास है। UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है तो आपको कोई
परेशानी का सामना नहीं फेस करना पड़ेगा मैनेजमेंट के कोर्सेज करने में। एजुकेशन बीएड, बीएड करने के लिए एनसीटीई का अप्रूवल होना चाहिए जो कि इनके पास है। एनसीटीई अप्रूवल देता है बीएड के लिए और ये अप्रूवल है, तो अगर आप बीएड करने का सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ से बीएड कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। पैरामेडिकल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि यूनिवर्सिटी एमपी पैरामेडिकल काउंसिल से अप्रूव्ड हैं, तो बीपीटी, बीएमएलटी, डीएमएलटी इन कोर्सेज को करने के लिए आपको जो अप्रूवल लगता है वो यूनिवर्सिटी के पास है। बीपीटी क्या होता है? बैचलर इन फिजियोथेरेपी कोर्सेज होता है। फिजियोथेरेपी में अगर आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ही कोर्स कर सकते हैं। कॉमर्स के लिए क्या अप्रूवल लगता है? तो कॉमर्स करने के लिए यूजीसी अप्रूव होना चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव है। आप यहाँ से बीकॉम कर सकते हैं, वो भी अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। आर्ट्स में आपको यहाँ मिलने वाला है बीए, एमए, बैचलर इन आर्ट्स और मास्टर इन आर्ट्स मिलने वाला है। स्पेशलाइजेशन आप यहाँ से ले सकते हैं एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एमएसडब्ल्यू, बीलिब और एमलिब जैसे भी आप यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। और वोकेशनल कोर्सेज भी, काफ़ी सारे वोकेशनल कोर्सेज भी यूनिवर्सिटी रन करती है, तो वो भी आप यहाँ से यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी को सारे अप्रूवल्स है और आइसेक ग्रुप का ही एक यूनिवर्सिटी है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है, डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी। आप यहाँ पर अगर एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार जरूर आप हमसे संपर्क करें, हम आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में और भी बारीकी से इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, क्योंकि हमें काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है और इस कारण हम आपकी मदद कर पाएंगे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्ट भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो हम उसको भी रिव्यू करेंगे थोड़ा सा। मेरी वेब तो आप देख पा रहे होंगे, डॉक्टर सी वी रमन का ये प्रोस्पेक्ट है, हम थोड़ा सा इसके द्वारा मैं आपको दिखाऊंगा। ये डॉक्टर सी वी रमन, रमन जी का ये फोटो है और रमन जी का, डॉक्टर सी वी रमन जी का ये मैसेज है। डॉक्टर भरत शरण सिंह जी चेयरमैन मध्य प्रदेश, उनका भी यहाँ पे पूरा डली हुई इन्फॉर्मेशन, खंडवा के बारे में, खंडवा शहर भी काफ़ी फेमस है उसके बारे में, और आइसेक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो थोड़ा सा वीडियो मैंने पहले भी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर वीडियो बनाया है अलग अलग यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप देख पा रहे होंगे आइसेक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ से ग्रुप है पूरा, तो वहाँ पे उसमें टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल के अंदर है, आइसेक यूनिवर्सिटी है और इसकी झारखंड के अंदर डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी, बिहार के अंदर है डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश के अंदर खंडवा के अंदर है डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ के अंदर है, और एक स्कॉप यूनिवर्सिटी भी ओपन, स्कॉप स्किल यूनिवर्सिटी ओपन हुई है भोपाल के अंदर, वो भी आईसेक ग्रुप की एंटिटी है, वो भी नई यूनिवर्सिटी ओपन हुई है। और डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी के बारे में, खंडवा के बारे में आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने ब्रोशर पर मैंशन की हुई है। मैं आपको मेन पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ। तो यूनिवर्सिटी आईएसओ सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी, सर्टिफाइड हैं इसके जो स्कूल्स हैं वो, और यहाँ पे प्रोफेसर चांसलर साहब का मैसेज भी आपको दिख रहा होगा ब्रोशर पे, वाइस चांसलर साहब का मैसेज दिख रहा है, रजिस्ट्रार सर का मैसेज दिख रहा है। और आईसेक ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है, 1985 से एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहा है, सर काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं आईसेक ग्रुप को, वो भी आप देख पा रहे होंगे फोटोज के अंदर। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की हुई, कोर्स में भी आप देख सकते हैं बीबीए, एमबीए यहाँ मेंशन किया गया है, रामानुज स्कूल ऑफ साइंस, साइंस के लिए भी, एग्रीकल्चर भी यहाँ पे मैं बताया गया है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने ब्रोशर में भी डाली हुई है। तो मैं आपको एंड में यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, आपका मन है कि आप खंडवा के आसपास के विद्यार्थी हैं या कहीं और बाहर से भी हैं और आपका मन है कि सी वी रमन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो एक बार आप जरूर हमसे संपर्क करें। हम जिस भी आप कोर्स में दे रहे हैं उस पर अप्रूवल्स वगैरह आपके साथ शेयर करेंगे और हम आपको एक सही रिव्यू दे पाएंगे, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है, हम इंडिपेंडेंट एजुकेशनल काउंसलर हैं। मुझे 5 साल से ज़्यादा एजुकेशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, मैंने 1,000 से ज़्यादा मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश इंडिया और सभी तरफ की यूनिवर्सिटीज़ को रिव्यू और किया है, उनको समझा है, वेबसाइट्स को देखा है, उनके अप्रूवल्स को चेक किया है, कॉलेजेस को रिव्यू किया है, तो मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। तो अगर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो मुझे नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम गोविंद धनगर है, आप मुझे इंस्टाग्राम से और लिंक्डइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और भी आप किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं जल्दी ही उस यूनिवर्सिटी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, उस कॉलेज के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा,
और भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप एक बार